माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्री रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा अरे आपको डिस्टर्ब करते हो माननीय सभापति। नहीं, रामजीलाल जी एक बार बैठिए, आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए है। तो बीच में मत रोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम उपाय कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूँ, समिति जो एमएसपी के जो दाम है, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस? ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिप्लाइंग, लेट हिम कंप्लीट। अपने क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए। इन्होंने एमएसपी पूछा तो क्या बोले? नहीं रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। रामजीलाल जी बैठिए, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम माननीय सभापति महोदय। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं, और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है,
और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अधिकतम एमएसपी पर खरीद हुई और इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द ये जितनी किसान पैदा करेगा ये सरकार खरीदेगी। समृद्धि पोर्टल हमने बनाया, किसान रजिस्ट्रेशन करवाए, उसका पूरी उपज खरीदेगी। माननीय सभापति महोदय नहीं करेंगे, माननीय सभापति महोदय आंकड़े गवाह है कि जब इनकी सरकार थी तब खरीदी कितनी होती थी और जब हमारी सरकार है तब खरीदी होती थी। माननीय सभापति महोदय 2004-05 से 13-14 के बीच केवल 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई और ये सरकार थी 14-15 से लेकर 23-24 के बीच 69 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय ये घड़ियाली आंसू आ रहे हैं, गेहूं की खरीद 4-5 से 13-14 के बीच 21 करोड़ मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 35 करोड़ 38 लाख मीट्रिक टन हो गई। ये सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय अब सुनना पड़ेगा दलहन की खरीद सप्लीमेंट्री गन की नोक पर दूंगा, यहाँ मेरे तलवार रख लोगे। माननीय सभापति I will not budge, मेरे पास है मानी, और तरीके से देख कर करता हूँ। माननीय सभापति महोदय विच इज फेयर एंड इक्विटेबल, आई डोंट एनकरेज अ पर्सन हु राइजेस एवरी सेकंड, doesn't allow anyone to speak, does not have patience to listen to the honorable minister, the honorable, you bachche ki tarah jit kyun kar rahe ho Randeep ji, please don't do it, no please, nothing will go on record, I don't want to join, what are you doing? Mani sabhapati mahoday, nothing is going on record, nothing, mani sabhapati mahoday meri baat puri kar de di jaye, mantri ji please dhyan se sunen। मंत्री जी आप देश की जनता को सदन के माध्यम से जानकारी दीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, दलहन की खरीद वर्ष 2004-05 से 13-14 तक केवल 6 करोड़ मीट्रिक टन थी, 6 लाख मीट्रिक टन, केवल 6 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़कर अब 1 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, तिलहन की खरीद जब इनकी सरकार थी केवल 50 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ी बातें कर रहे हैं प्रमोद जी, धान के खरीद के लिए प्रमोद जी न्यूनतम क्या तरीका है, कुछ तो सोचिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को सुनिए, माननीय सभापति महोदय फिर देखिए, किसान को इनको क्या है कि कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि मैंने पार्टिसिपेट किया। अरे साहब, किसान का मामला है, मेरा तो जीव होता है, मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी से आप कितना अच्छा सुझाव दिया। एक सुनिए, आज के प्रश्न का सबसे बड़ा फायदा है कि एक माननीय सदस्य ने चाय और कॉफी के बारे में इतनी गंभीर बात कही है जिसका नतीजा निकलेगा। मैं सार्थक चर्चा चाहता हूँ, बैठिए। हाँ, माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, कपास की गांठ ये खरीदते थे केवल 26 लाख, हमने बढ़ाकर 31.17 लाख कपास की गांठ खरीदी है। और माननीय सभापति महोदय, संस्थागत ऋण इनके समय ऊंचे ब्याज की दरों पर मिलता था, केवल 7.3 लाख करोड़, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 25 लाख करोड़ रुपए संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब इनकी सरकार थी धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित किसान केवल 78 लाख थे, अब बढ़कर 1,03,83,248 हो गए।
और माननीय सभापति महोदय, गेहूं के खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होने वाले किसान केवल 20 लाख थे जो 22,69,266 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर, यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं, इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है, इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानी शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे उन्होंने भी कहा सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता, और उन्होंने इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रासंगिक कारकों की गुणवत्ता पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय मैं रखता हूँ, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में स्थापित न की गई सिफारिश, जब ये सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारत औसत लागत से कम 50% से अधिक खोजना चाहिए, कैबिनेट नोट में ये लिखा, एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबंध घटकों की किस पर विचार करते हो बस्तीपूर्वक मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पर रखता हूँ, ये बचा के रख लो, ये ले लो, ये दे दे, दे दिए। ये इनका असली चेहरा है, ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं, ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे, कई फैसले लिए और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभा।